अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आइए केमिस्ट्री एकेडमी में आप सबको वेलकम। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे डेट इज रोल ऑफ लाइम इन इंडस्ट्रीज। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, रोल ऑफ लाइम इन इंडस्ट्रीज के जो इंपॉर्टेंट हमारे पास यूजेस हैं वो हमने यहाँ पे हेडिंग के फॉर्म में लिखे हुए हैं, जिनको हम वन बाई वन देखेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला है कि लाइम इज़ यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। इसमें हम इस तरह से एग्जांपल ले सकते हैं कि हम लाइम को यूज़ करते हैं टू रिमूव एक्सेस अमाउंट ऑफ केमिकल इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम मेटल्स। और इस तरह से जैसे देखें कैल्शियम सिलिकेट की फॉर्म में, CaSiO3 की फॉर्म में जो केमिकल इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हम रिमूव करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्लैग। तो एक इसका यूज़ ये हो गया कि ये इस तरह से मेटल्स को रिफाइन और एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि लाइम इज़ यूज इन पेपर, सीमेंट एंड लेदर इंडस्ट्री, यहाँ पे भी इसका यूज़ है। नेक्स्ट है कि लाइम इज़ यूज फॉर ग्लास मैन्युफैक्चर। ग्लास मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से हो सकती है, जैसे मैंने ऊपर इक्वेशन लिखी इसी तरह से कि लाइम को रिएक्ट करवाया जाता है सैंड के साथ और वो बनाता है कैल्शियम सिलिकेट, और फिर ये कैल्शियम सिलिकेट जो है ये बेसिस बनता है ग्लास मैन्युफैक्चरिंग की। इसके बाद नेक्स्ट में अगर हम देखें तो सिरेमिक इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं लाइम को, और ये किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर वेरियस सैनिटरी प्रोडक्ट्स, इसमें आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट जो है ये इसका यूज़ है एज लाइम मोर्टार। ऑर्डनरी लाइम या लाइम मोर्टार को हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, पहले इसकी प्रिपरेशन देखेंगे। हम कहते हैं कि यहाँ पे हम वन पार्ट लाइम इज मिक्स्ड विथ थ्री पार्ट्स ऑफ सैंड एंड वाटर, और इसके नतीजे में क्या होता है, वी गेट अ पेस्ट विच इज अ थिक पेस्ट। दिस पेस्ट इज अप्लाइड इन बिटवीन रॉक्स एंड ब्रिक्स and it sets them together by hardening। तो यानी क्या होगा कि जब हम इस पेस्ट को अप्लाई करवाएंगे इन बिटवीन रॉक्स एंड ब्रिक्स, तो ये वहाँ पर हार्ड हो जाता है, उन रॉक्स एंड ब्रिक्स को आपस में कंबाइन करवा देता है। अब इसी के दौरान जो इक्वेशंस होती हैं उन इक्वेशंस को हम कैसे देख सकते हैं, हम कहेंगे ये लाइम है, ये वाटर के साथ पहले रिएक्ट करेगा और बनाएगा CaOH2, डेट इज स्लेक लाइम। अब नेक्स्ट इक्वेशन में ये स्लेक लाइम CO2 से रिएक्ट करता है एंड इट प्रोड्यूसेस CaCO3 प्लस H2O। लास्ट में स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास स्लेक लाइम है CaOH2, ये रिएक्ट करेगा सैंड के साथ और बनाएगा CaSiO3 साथ में H2O। और इन रिएक्शंस के नतीजे में जो हमारे पास लाइम मोर्टार है वो हार्ड होता है। अच्छा, इस यूज़ के बाद नेक्स्ट अब हम देखें तो हम कहेंगे कि लाइम को हम यूज़ करते हैं फॉर द रिफाइनिंग ऑफ शुगर एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स। इसको हम आगे भी जाके एक्सप्लेन भी करेंगे कि किस तरह से। नेक्स्ट यूज़ है, इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है कि मिल्क ऑफ लाइम एज वाइट वॉश भी हम इसे यूज़ करते हैं। मिल्क ऑफ लाइम क्या है, हम जब लाइम को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो एक सस्पेंशन बनती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, जिसको हम अभी स्लेक लाइम भी कहते आए हैं, इसको मिल्क ऑफ लाइम या लाइम वाटर भी कहते हैं। ये फिर फर्दर यूज़ होता है एज अ वाइट वॉश। इसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट यूज़ है हमारे पास, डेट इज़ फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलिन C2H2। और ये किस तरह से होगा कि लाइम को हम कोक के साथ रिएक्ट करवाते हैं
2800 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन इलेक्ट्रिक फर्नेस। और यहाँ पे रिएक्शन होगा कि हमारे पास बनेगा कैल्शियम कार्बाइड CaC2 और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड। बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे साथ में 3। तो ये कैल्शियम कार्बाइड हमारे पास बन गया फर्स्ट स्टेप में। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि ये जो कैल्शियम कार्बाइड बना है इसको हम रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ। और जब हम इसे वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये बनेगा एसिटाइलीन और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद लास्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास यूज है एस डीहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि लाइम CaO इज यूज्ड इन प्रेपरेशन ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल एंड इन फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस। और इसके अलावा अगर हम इसका और यूज देखना चाहें एस डीहाइड्रेटिंग एजेंट तो हम कहेंगे कि सोडा लाइम दैट इज मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड लाइम इज यूज टू एब्जॉर्ब CO2 एंड मॉइस्चर इन शुगर फॉर्मेशन एंड अदर गैसेस फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने रोल ऑफ लाइम इन इंडस्ट्रीज को डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन हो तो आप हमें ऑनलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल आइए केमिस्ट्री एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह ही नए नए लेक्चर्स और वीडियोस के साथ आपके सामने हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।